फेस्टिव सीजन इज हेयर, तो बहुत सारे काम में कई बार हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा घर कैसा लग रहा है। तो आज मैं आपके लिए कुछ लास्ट मिनट DIYs लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ड्रीम हाउस कैनवस। लेट्स स्टार्ट विद DIY नंबर 1। इसके लिए हमें चाहिए है घर में पड़ा हुआ कोई भी पुराना फ्रेम। इसके बैक पार्ट को हम इस तरह निकाल देंगे। अब मैं इस पर सेलो टेप की हेल्प से ये फेरी लाइट लगा लूंगी। इसकी जगह आप लोग स्ट्रिंग लाइट्स भी लगा सकते हैं जो हम कॉमनली डेकोरेशन में यूज करते हैं। अब हम लेंगे ये येलो कलर का कपड़ा। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं अपनी पसंद का, थोड़ा एथनिक दिखना चाहिए बस। अब हम इसको वापस इस फ्रेम में लगा देंगे और बस ये हो गया। आप सेम टेक्निक से जितने चाहें उतने फ्रेम्स अपनी वॉल्स के लिए बना सकते हैं। ये बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो तैयार है हमारे एथनिक वॉल फ्रेम, जिन्हें बनाने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा है और ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहे हैं हमारी वॉल्स को। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं DIY नंबर 2 की तरफ। ये एक इंस्टेंट सेटअप है जिसे आप मेन दिवाली के दिन भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें बस थोड़े से फूल चाहिए होंगे और कुछ ग्लासेस। तो सबसे पहले मैं एक बहुत सिंपल सी फ्लावर रंगोली बना लेती हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। अब हमें चाहिए है यहाँ पे ये कांच की ग्लास। आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और हम इसको अरेंज कर देते हैं टेबल पर। इसमें थोड़े से फूल और पानी ऐड करना है। फूल आप अपनी पसंद के कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रोज और मारीगोल्ड। आप कोई भी फ्लावर इसमें यूज कर सकते हैं। हम इन ग्लासेस में फ्लोटिंग कैंडल्स रख देंगे और ये बस रेडी है। ये इस वीडियो की मेरी फेवरेट DIY है क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता है और ये घर को बहुत ही प्यारा लुक देती है। कैसी लग रही है ये आप लोगों को? नाउ DIY नंबर 3। इसके लिए मैंने ये पुराने फ्लावर पॉट के फूल ले लिए हैं जिन्हें मैं फेविक्विक की हेल्प से आपस में जोड़ूंगी। आप इन्हें सिंगल भी यूज कर सकते हैं। मैं एक डबल और एक सिंगल पीस बनाकर इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ।
अब यहाँ पर मैंने ये गोल्डन स्प्रे पेंट ले लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप एक्रेलिक पेंट का यूज भी कर सकते हैं। ये ड्राई हो गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हमें इसमें सिर्फ कैंडल्स रखना है, आप इलेक्ट्रिक कैंडल भी रख सकते हैं या नॉर्मल वाली जो सिंपल कैंडल होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। Now it's time for last year. इसके लिए हमने ये एम्ब्रॉयडरी हुक्स ले लिए हैं। इसकी जगह पर आपको कोई भी रिंग अगर अवेलेबल हो आप वो ले लें, ये अवेलेबल ना हो तो। और इस पर अब हम सिंपली ये डबल साइडेड टेप लगाकर इस पर थोड़े से फूल लगा देंगे और फूलों का सर्कल बना लेंगे। ये इस वीडियो की सबसे ईजी DIY है जिसे कोई भी बना सकता है बहुत आसानी से। और बस ये रेडी हो गए हैं। आप इसी टेक्निक से जितने चाहे उतने सर्कल्स बना सकते हैं और अपने घर को एक नया और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और सबसे फेवरेट DIY आपको कौन सी लगी। ऑल्सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।